तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास बजाज की पल्सर NS 400। तो सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन की हमें बात करें तो इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो NS 200 आती है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका अभी हम टेस्ट राइड भी करेंगे, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि कंपेयर टू NS 200 इसमें क्या कुछ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इंजन की बात करें तो इसमें आपको एक 373 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 40 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 35 Nm का है। और इसके बाद इसमें यहाँ पे जो गेयरबॉक्स मिलता है ये 6-speed का गेयरबॉक्स मिलता है। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो ये आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है NS 200 जैसा मिलता है इसकी साइड प्रोफाइल, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इंडिकेटर्स इसमें फुल LED कर दिए हैं। इसके बाद सेटिंग तो आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है NS 200 जैसी है। और यहाँ पे जो आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट का डिस्क साइज़ है 320 mm का, पीछे का डिस्क साइज़ है 230 mm का। यहाँ पे जो है आपको अंडर द बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। नीचे से भी आप देखेंगे साइड काउल सेम जैसा आपको NS 200 में मिलता है वैसा ही मिलता है। इसके यहाँ पे एक छोटा सा आप डिज़ाइन डिफरेंस देखेंगे कंपेयर टू NS 200। फ्यूल टैंक इसमें आपको 12 लीटर्स का ही मिलता है और माइलेज की अभी बात करें तो 30-35 km/h का माइलेज आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आप स्विच गियर्स देखेंगे तो आपको एकदम जॉयस्टिक टाइप का यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कंट्रोल मिल जाता है। इसमें आपको हज़ार्ड लाइट मिलता है जो कि आपको डोमिनार 400 में भी नहीं मिलता है। और एक ही स्विच से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, तो किल स्विच सब कुछ इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो आप हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप। और आप फ्रंट में देखेंगे तो USD फोक्स मिलते हैं, 43 mm का USD फोक्स मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे चलें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, काफ़ी कलरफुल है ये। इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम, साइड स्टैंड लगा हुआ है इसमें, और राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं इसमें। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देखिए इधर से आप चेंज कर सकते हैं। तो रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ये चार आपको इसमें राइडिंग मोड मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो है ABS और इंजन का पावर चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन किस मोड में आप चलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसमें व्हीकल इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी में इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें SMS कॉल, अलर्ट्स, म्यूज़िक प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ओके, फिर ट्रिप मीटर रीडिंग, ये सब चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस टाइप का है। लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं कूलेंट यूज़ किया गया है। और फ्रंट से आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो है LED DRLs मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर LED लैंप मिल जाता है। तो ये इसका कुछ सेटअप है। तो चलिए अब इसको चला लेते हैं और इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। प्राइस वैसे इसका बता दूं तो ऑन रोड वडोदरा में इसका प्राइस है 2,19,500 रुपये, इसका जो है ऑन रोड वडोदरा का प्राइस है। ये AS बजाज जो कि सलतवाड़ा वडोदरा में है, यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर सब कुछ मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए चलाते हैं NS 400 इस बाइक को। वैसे हैंडलिंग की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको जो है सिंगल हैंडल बार मिलता है, जो कि अनलाइक आपको NS 200 में आपको स्प्लिट हैंडल बार मिलता है। तो इसको एक बार चला के इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो इनिशियली गाड़ी थोड़ा बहुत बंद होती है, लेकिन उसके बाद जो है गाड़ी का RPM एकदम सही लेवल पर आ जाता है। और यहाँ पर आपको टाइम, स्पीडोमीटर रीडिंग, वो सब मिल जाती है। इसके बाद जो हम इसको एक बार राइडिंग मोड्स में हम चेक कर लेते हैं। तो इसको अभी हम रोड पे चलाते हैं। इसकी जो सीट हाइट है अराउंड 806 mm की है, तो उसके हिसाब से जो है अगर आपकी हाइट 5'8" 5'9" है तो आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। 5'5" 5'6" भी आप आराम से बैठ सकते हैं। उसके नीचे तो आप एक बार टेस्ट राइड लेके इसको चेक कर सकते हैं। पावर और पिकअप जो है मुझे इस बाइक का काफ़ी बढ़िया लगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप डोमिनार से कंपेयर करेंगे तो डोमिनार से तो मुझे इसका जो ओवरऑल
परफॉर्मेंस है, राइड रिव्यू है अगर हम देखें तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। सबसे बड़ी चीज़ इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सिंगल हैंडल बार मिलता है। डोमिनर में भी आपको सिंगल हैंडल बार मिलता है, बट एन एस 200 की एक अपनी अलग ही बात है। ब्रेकिंग की भी यहाँ पे बात करें तो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, तो ब्रेकिंग मुझे इसकी अच्छी लगी, सॉफ्ट ब्रेकिंग है। और यहाँ पे जो है आपको एडजस्टेबल लिवर्स मिल जाते हैं और एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लिवर्स मिल जाते हैं, तो अपने राइड के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो था, मैं ये इसको अभी रोड मोड में चला रहा था, अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में कर देता हूँ। तो स्पोर्ट्स मोड देखिए आप एक्टिवेट हो चुका है। तो पावर तो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इसकी। NS 200 मेरे पास खुद की बाइक है, उसके हिसाब से जो है मुझे सिटिंग कंफर्ट वैसा ही है, सिमिलर है, और राइडिंग स्टाइल भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। बट यहाँ पे जो है गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है, और लंबी राइड पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप USB चार्जिंग कर सकते हैं। और रियर व्यू मिरर भी आप देखें तो विजिबिलिटी बढ़िया है, और बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। सस्पेंशन देखेंगे तो बिल्कुल मीडियम लेवल पे सेट है। तो ब्रेकिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आराम से रुक जाती है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया ब्रेक्स हैं। फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क मिलता है, उसी की वजह से जो है ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लगती है इसकी। बाकी इसके बाद मैं राइड मोड चेंज करता हूँ एक बार। तो अगर हम इसमें, वैसे ऑफ रोड में तो आपको शायद रियर व्हील का ABS बंद हो जाएगा, तो इसके बाद रेन मोड में अगर हम चलाएं इसको, तो रेन मोड में थोड़ी सी मेरे को लगता है कि स्पीड जो है इसकी कम हो जाएगी। थ्रॉटल रेन मोड एक्टिवेट हो गया, तो पावर थोड़ी सी डाउन हो गई है। बिल्कुल देखिए मैं पूरा एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, बट तो है पावर डाउन हो गई इसकी। तो रेन मोड में इसका जो पावर है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। इसके बाद मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में ही लेता हूँ, तो थ्रॉटल को एकदम बंद करना पड़ता है आप, उसके बाद ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड में जो पावर है इसकी काफ़ी बढ़िया हो जाती है, कि देखिए ABS काफ़ी बढ़िया से निकल जाती है ब्रेकिंग। और गियर शिफ्टिंग भी सिमिलर टू NS 200 ही है, बिल्कुल सॉफ्ट शिफ्टिंग है, ज़्यादा कुछ अटकते नहीं गियर। पावर आप देख सकते हैं गाड़ी की, पावर काफ़ी अच्छी है, 40 PS की जो पावर है वो आपको दिखेगी, फील होगी। और सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, एकदम अपराइट पोजीशन आपको यहाँ पे मिलती है। बस एक प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है कि ये मैंने डोमिनर में भी फेस की थी, और NS 200 में मुझे थोड़ी बहुत लगती है कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी बंद होती है जब इनिशियली आप इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। MTC ऑन ऑफ इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फिर वार्निंग्स की यहाँ पे बात करें तो वार्निंग्स में रिफ्यूल करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिपन बाइक, लैप मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है। तो ओवरऑल मुझे ये बाइक अच्छी लगी। थोड़ा सा जो है इंजन का रिफाइनमेंट और थोड़ा अगर बढ़िया हो जाता ना तो बहुत ही मज़ा आता। वैसे इंजन ठीक है, मतलब डोमिनर का आपने इंजन चलाया होगा वैसा ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे आपने अगर ट्रैम से कंपेयर करेंगे, ट्रैम का 400cc बाइक, उसका एक अलग ही इंजन रिफाइनमेंट होता है। और अगर RR 310 से करें अपाचे की, तो उनसे तो कई गुना बढ़िया है। KTM 390 वैसा ही हाईवुड से इंजन है, थोड़ा सा जो है इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगता है, बट ओवरऑल आपको मज़ा आएगा चलाने में। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। माइलेज यहाँ पे आपको 30-35 किलोमीटर का मिल जाएगा पर लीटर का।
और क्लच लीवर और जो फ्रंट ब्रेक है एकदम सॉफ्ट है। आप देखिए बिल्कुल आराम से एक उंगली से लग जा रहे हैं। बट ये बोलूँगा कि टॉप एंड जो परफॉर्मेंस है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वीक है। जब हायर आरपीएम पे जाती है 5-6000 आरपीएम पे तो जितना आपको पिकअप मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता है, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट इसको अगर हम लंबे राइड पे चलाएंगे तब जाके इसका पूरा पिक्चर क्लियर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ पार्ट्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, इंजन नॉइज़ नहीं है, स्मूथ चलता है। नॉर्मली जब आप NS को चलाते हैं तो आपको हाथ में वाइब्रेशन फील होता है, NS 200 स्पेशली, वैसा कुछ यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। तो अंदर बैठने के बाद भी इंजन में ऐसा कोई लोड नहीं लग रहा, आराम से भाग रही गाड़ी। तो यही सब बजाज पल्सर 400 NS पर राइड रिव्यू था। तो मेरे दोस्तों अजित, नहीं, थैंक यू।